सेक्रेटरी जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ मीडिया वालों ने आपके खिलाफ एक स्टेटमेंट चलाया कि वो आप भतीजावाद की, उसमें अभी कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन जी ने उसमें उसको क्लियर किया है कि मेरा किसी ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बुआ भतीजावाद का जो मैटर चल रहा है, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे कि जिससे कि हम अपने करोड़ों दर्शकों को ये बता सकें कि हाँ, चंद्रशेखर रावण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल शोषण और शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई कर रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक संगठन की। देखिए, चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। हाँ हाँ, अब महसूस करेंगे कि मैं बहुजनों की बात करता हूँ। जी जी, तो बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति मेरे रिलेशन में आ जाता है। हाँ हाँ। मेरे परिवार में आ जाता है, क्योंकि हम परिवार ही तो बना रहे हैं बीमार में। संगठन क्या होता है? एक समूह होता है, एक परिवार। हाँ। होता है जी, जिसमें जो एक विचारधारा के लोग होते हैं। तो बहुजन मूवमेंट के लोगों का हम लोग परिवार बना रहे हैं। तो मीडिया क्या करती है? मीडिया तोड़ने का काम करती है, मीडिया कभी जोड़ने का काम नहीं करती। तो मीडिया ऐसी चीजें तथ्य पेश करती है, गलत को सही, कभी 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 गलत को सही दिखाने का प्रयास करती है, कभी कभी सही को गलत दिखाने का प्रयास करती है। तो वो उनकी सोच है कि उन्होंने क्या वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, अखिलेश यादव है, वो भी अब उसको अगर आप वर्ण व्यवस्था देखें तो वो भी शूद्र है, तो वो भी भाई है मेरे, बड़े भाई हैं, उस एज में बड़े हैं। और जो संस्कार हमें मिले हैं घरेलू, अब बुआ जी की बात मैं करता हूँ, लोग बुआ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोग कह रहे हैं, देखिए उनका कहने का तरीका कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया हो सकता है कि कुछ ऐसा लग रहा हो कि मतलब मेरे नाम पे उन्हें घेरा जा रहा हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बसपा पार्टी के लिए भीम आर्मी को तोड़ना है। हाँ। एक्चुअली भीम आर्मी कोई राजनीतिक दल तो नहीं जो टूट जाएगा, एक सामाजिक दल है, और समाज नहीं टूटता है, कुछ लोग टूट सकते हैं, समाज नहीं टूटता है, पार्टियां टूटती हैं, पार्टियां टूटती हैं, दल टूटते हैं, नेता टूटते हैं, और नेता भागते हैं। हमने देखा है अपने अपने निजी, उसके जो निजी उनके वो होते हैं, निजी लाभ होते हैं, उनके प्रति भागते हैं। तो ये यहाँ क्या है कि यहाँ तो कोई लाभ ही नहीं है, यहाँ कोई स्वार्थ ही नहीं है, यहाँ तो देने की लड़ाई है। भीम आर्मी मतलब मूवमेंट को कुछ देने, प्रत्येक व्यक्ति दे रहा है। चंद्रशेखर ने संघर्ष किया जी, और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपना परिवार छोड़ के काम कर रहे हैं। तो जितने भी साथी हैं भीम आर्मी, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं जी। हम ले क्या रहे हैं? हम कोई राजनीतिक दल थोड़ा चला रहे हैं जो हमें कैसे कुछ इनकम सोर्स हो। तो हम तो समाज से जो मदद होती है उसी मदद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सही हाथों में देने का। ऐसा होता ना, कुछ मदद हुई और गलत हाथों में चली जाए तो उस मदद का फायदा नहीं होता जी। जी जी, तो लोगों के द्वारा लोगों को ही मदद कराने का काम भीम आर्मी कर रही है।